नमस्कार मैं हूं कोमल जोर आप मेरे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज अफगानिस्तान जंग के एक बुरे दौर से गुजर रहा है सालों से जंग की मार झेल रहे लोग एक बार फिर से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं तालिबान ने अब लगभग पूरे अफगान पर कब्जा कर लिया है तालिबान वापस आ गया है और कई हिस्सों को लेके आगे बढ़ रहा है लोगों को डर यह है कि अगर तालिबान सत्ता में आ जाए तो उन्हें नब्बे दशक के क्रूर तालिबान राज फिर से झेलने पड़ेंगे जहां सरेआम लोगों पर पत्थर फेंके जाते थे लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार हुआ करता था हिजाब ना पहनने पर फांसी डाल दी जाती थी अब सवाल यह है कि आखिर तालिबान ऐसा करना क्यों चाहता है क्या वो फिर से अपने शासन लागू करेगा अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने अपना झंडा भी फहरा दिया है 20 साल पहले अफगान में तालिबान का ही कब्जा था पर अमेरिका ने 9 के बाद अपना ऑपरेशन शुरू किया और तालिबान का खात्मा हो गया पर अमेरिकी सेना जाने के बाद तालिबान ने एक बार फिर से अपना शासन लागू कर दिया है और मात्र 10 दिनों के अंदर तालिबान का आगाज हो गया है और एक कट्टरपंथी सोच वाले संगठन के आगे लोकतांत्रिक सरकार ने घुटने टेक दिए अफगानिस्तान की आज हकीकत देखे तो सच में खून ही इस देश की किस्मत बन चुका है इस खूनी मंजर की कहानी का इतिहास और भी ज्यादा भयानक है सवाल तो यह भी है कि आखिर कैसे अफगानिस्तान की खुशी गम में बदल चुकी है और इस पूरे किस्से को समझाने के लिए हमें आपको करीब तीन दशक पीछे ले जाना होगा यानी कि नब्बे के उस दौर में जब दो बड़े देश दुनिया में अपनी ताकत आजमाने के नशे में चूर थे एक ओर था अमेरिका तो दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी कि रूस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने में मदमस्त खूबसूरत नक्शों की, की तस्वीर हमेशा के लिए बदल डाली इसी की गिरफ्त में अफगानिस्तान भी आया अफगानिस्तान तालिबान की आग में झुलस ही रहा था कि इसी बीच 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान की ओर गया हमले के पीछे मुख्य किरदार ओसामा और अलकायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगाया गया अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर अपना हमला बोला और दिसंबर के पहले हफ्ते में तालिबान का शासन खत्म हो गया और जब बात कट्टरपंथी और आतंकवाद की हो तो पाकिस्तान का नाम कैसे पीछे रह जाए जिसने आतंकवाद को पना दी हो पाला हो और अब करीब 20 साल बाद फिर से एक बार अफगानिस्तान में इन तालिबानियों ने कहर पर पाना शुरू कर दिया है तालिबानियों की घटिया सोच वो खुलेआम बया कर रहे हैं हिम्मत तो देखिए साहब खुली जुबान में बोल रहे हैं कि महिलाओं को बुरके में ही रहना होगा घरों से निकलने पर सौ बार सोचना होगा और जो भी इस मानसिकता के विरुद्ध में जाएगा उसकी मौत तय है यह हिंसा देखकर दुनिया सकते में है पहले तो अफगानिस्तान पे राज के लिए अमेरिका और रूस ने अपने जवानों को उतार दिया भारी हथियार पैसा सब कुछ झोंक डाला नतीजा यह रहा कि रूस ने अपने कदम तो अफगानिस्तान से खींच लिए लेकिन यहां की वादियों में जुल्म की आग झुलसती रही सबके जहन में एक ही सवाल है कि तालिबान का आखिर मकसद क्या है आखिर तालिबान चाहता क्या है पश्तो आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था तालिबान का जो चेहरा आज हमारे सामने है जिस क्रूरता कट्टरपंथी और हिंसा के उदाहरण आज हम देख रहे हैं तालिबान शुरू में ऐसा नहीं था बता दें तालिबान ने जब उन्नीस में अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा जमाया था तो सत्ता हथियाने के बाद तालिबानियों ने भ्रष्टाचार अराजकता की स्थिति में सुधार सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाके में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं दी और अपने इन्हीं कामों की वजह से तालिबानियों को पसंद भी किया गया लेकिन फिर तालिबानियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया कट्टरता की ऐसी मिसाल गड़ी कि साहब इंसानियत का आप उठी पाबंदियों का ऐसा फरमान जारी किया कि हर ओर बस एक ही चुप्पी नजर आने लगी बीच चौराहे पर फांसी कोड़ों की सजा लड़कियों के लिए स्कूल और टीवी देखने तक पर बैन लगा दिया गया पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाली बुरका का इस्तेमाल कंपलसरी कर दिया गया तालिबान के इस खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी जब हैवानियत की मिसाल देनी हो तो वहां तालिबान कह दिया जाता है घर से बाहर निकलते ही कौन सी गोली सीने में कहा जा धसे? हिजाब सरक जाए तो चमड़ी उधेड़ने का फरमान आ जाए बीच चौराहे पर फांसी हो इसका पता ही नहीं चलता हद तो तब हो जाती है जब उन्होंने बच्चे को भी नहीं बख्शा कभी अपनी तहजीब, तमीज और सादगी के लिए लोगों की चर्चा का हिस्से रहने वाला ये देश अब नफरतों की भेंट चढ़ गया है हजारों निर्दोषों की मौत की कहानी बनती जा रही है साल 2001 से शुरू हुई अमरीकी सेनाओं की कार्रवाई में पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक धकेल दिया गया लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का आगाज शुरू हुआ 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंडूज के इलाके पर कब्जा किया और फिर से अपनी वापसी के संकेत दिए अफगानिस्तान से लौटने की अपनी कोशिशों के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति से वार्तालाप शुरू कर दी और दोहा में कई राउंड की बातचीत भी हुई तालिबान ने सीधा वार्तालाप का रास्ता पकड़ लिया तो दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बस पर हमले की बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे की रणनीति पर काम करना शुरू किया तालिबान के कब्जे के साथ ही काबुल में अफरा तफरी मच गई लोग शहर छोड़कर भागने की कगार पर आ गए हैं फिलहाल के लिए बस इतना ही बाकी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज